नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई थी, मैंने कहा मैं उसका भी एक वीडियो बना देता हूँ आपको। वो है सूर्य क्षेत्र पर, वैसे मैं बुध को भी बताऊँगा, सूर्य को भी बताऊँगा, ठीक है, और शुक्र को भी बताऊँगा, लेकिन इसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं शुक्र को ले लेता हूँ और उसको प्रेम के साथ जोड़ता हूँ, ठीक है, शुक्र को प्रेम के साथ जोड़ता हूं। तो शुक्र क्षेत्र पर मैंने क्या करा, एक त्रिकोण बना दिया। त्रिकोण समझते हैं, ट्राइंगल, ये ट्रायंगल ये बना दिया। अगर ये है, बहुत लोगों के हाथों में होता है, मैं इसे प्रेम के संबंध में एक छुपी हुई बात बता रहा हूं, प्रेम के संबंध में बताता हूं। ये व्यक्ति कभी भी प्रेम के भाव में बहेगा नहीं, याद रख लेना, यानी ये संयम में रहेगा। ये संयम में, ये इसको, ये शुक्र है ना, शुक्र किस चीज को बताता है, देखो, विलासिता को बताता है, सोशल एक्टिविटीज को बताता है। आप जब सोशल हो गए तभी तो आप आगे कमाई करोगे, एंटरटेनमेंट को बनाता है, बताता है, बताता है, नहीं बताता, भद्र भाइयों के रिश्तों को बताता है, अपने मेल जोल के तरीकों को बताता है, किसी से बातचीत करनी है उसको बताता है, रिश्तों को निभाने की कला को बताता है शुक्र, तभी तो पैसा कमाता है वो। अब यहां पर एक ट्रायंगल आ गया, वो प्रेम में क्या करता है, प्रेम के तूफान में, प्रेम के बहाव में कभी बहेगा नहीं, बहेगा नहीं किसी से, इसको प्रेम हो चुका है, प्रेम हो चुका है। ये बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्या का मतलब क्या होता है कि, यानी अब फीमेल कह रही है कि मुझे भागकर शादी करनी है, देखो जी हम मेरे घर वाले मान नहीं रहे, तो ये प्रैक्टिकल बन जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे, यानी ये ऐसा नहीं करेगा कि फटाफट शादी कराकर भागकर शादी करने वाले आदमी होंगे, ये नहीं करेगा, संयम में आ जाए, गलत काम नहीं कर सकता, विचार शक्ति बढ़िया बन जाएगी इसकी। ये यहां पर आपके लिए, आपके टाइम पीरियड्स को इंक्रीज करने के लिए आया है कि मैंने अपनी लाइफ में बूस्ट करना है, मैंने अब एक लंबा घोड़ा हूं, मैं लंबा चलना है, मैं ये छोटे छोटे ठहराव पर आकर मैं रुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं इन पे नहीं रुकूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरों की नजर में ये लोग गलत हो जाते हैं, अब उस फीमेल की नजर में ये आदमी गलत हो जाएगा, लेकिन यह सही रहेगा। अगर किसी पत्नी ने अपने पति के हाथ में देख लिया तो आप थम्ब अप करो कि यह आदमी किसी लड़की के बहाव में नहीं बहेगा, क्योंकि इसकी विचार शक्ति और संयम जो है वो उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है। ये जैसे एक पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, वो लाइट चमकती थी, बिजली गिरती थी और वो दोनों बहक जाते थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं सारी फीमेल से कहता हूँ, अपने पतियों के हाथ में देख लो, जहाँ ट्रायंगल हुआ आप बस, आप तो बस वहाँ पर एक पार्टी कर लेना कि भाई मुझे तो बढ़िया आदमी मिल गया, खत्म। एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, फिर छोड़ दो उन पर तरक, कहीं पर आप विश्वास मत करना कि उसका चक्कर है, कुछ है, ये है, वो है, कुछ नहीं होगा और वो करेगा भी नहीं व्यक्ति, ठोक बचा के कह रहा हूँ। सूर्य पर्वत को देखना छोड़ दोगे अगर यहाँ एक ट्रायंगल आ जाएगा, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। अब मैं ये ट्रायंगल जो है ये चंद्र पर्वत पर ले आता हूं, वो तो आप क्या कहोगे कवि बनता है, नहीं, देखो लॉजिक समझो, चंद्र किसका कारक है, चंद्र कारक है कल्पना का, कल्पना का है ना, इस पे त्रिकोण, अब ये कल्पना के बहावों में नहीं बहेगा। ये कल्पना का भाव क्या होता है, पहले तो मैंने कहा प्रेम का भाव, अब ये कल्पना का भाव, यानी कल्पना का उचित प्रयोग करेगा, कल्पना का उचित प्रयोग। अब ये कल्पना का उचित प्रयोग का की डेफिनेशन क्या है, किसी भी कार्य को ये करेगा तो बड़े सोच समझ कर करेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा। ये किसी के हाथ में है, अगर उसकी लाइफ में दिक्कतें हैं, मान के चलो ये यहां पर है और किसी की ये माइंड लाइन है,
या किसी की माइंड लाइन ये है, तो उसे दिक्कत आएगी ना, डिप्रेशन होगी ना। ये डिप्रेशन को रिलीज करता है, ये डिप्रेशन को रिलीज करता है। ये क्या करता है कि उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है, कल्पना के बहाव में बहता नहीं है। अब मैंने आपको समझाया बहाव क्या होता है, ये कल्पना के बहाव में, हाय मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरी सास तो मुझे बहुत तंग करती है, मेरे को तो डिप्रेशन हो रहा है, ये डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये उसको तरीका सोचेगा कि मुझे इससे बाहर निकलना है तो निकलूं कैसे। आप इसको इस तरीके से समझो, ये क्यों बनाया गया है। चंद्र किसका कारक बनता है, कल्पना का। कल्पनाओं के बहाव में बहेगा नहीं और पॉजिटिव रहने के लिए कल्पनाओं का उचित प्रयोग करेगा और किसी भी कार्य को सोच समझ के कार्य करेगा और उसे जो है आगे तक ले जाएगा। कल्पना और बुद्धि के सहयोग से व्यक्ति को सफलता मिलती है, कल्पना और बुद्धि के सहयोग से। देखो समझते रहना, किसी की लाइफ में एक ये माइंड लाइन ऐसे, तो इसकी बुद्धि साथ नहीं दे रही ना, तो ये साथ दे रहा है। अब किसी की माइंड लाइन ही, हाँ हाँ क्या ये माइंड लाइन है, अब बताओ क्या तरक्की करेगा वो। क्यों? क्योंकि अब मैंने कहा कल्पना और बुद्धि के सहयोग से सफलता प्राप्त करेगा। तो इसको इस तरीके से समझो ना, किसने कहा है उसे वैसे समझने के लिए। अब यहां पर आप, मैं बुध पर ले जाऊं तो लोग कहते हैं अरे बहुत बढ़िया होता है। बुध कारक किसका है? देखो आप लोग ना ट्रायंगल को बहुत गलत समझते हो। ट्राइंगल तीन त्रिभुज, तीन भुजाओं से बना हुआ। एक भुजा अच्छी, गुड लाइफ, इसके बारे में भी बताऊंगा, एक रेखा के बारे में भी बताऊंगा कि एक रेखा करती क्या है। लेकिन अगर ये दो है दुगनी तिगनी, तिगना फल, ये तिगना फल, ये किस चीज में तिगना फल है? बुध क्षेत्र किसका है? बुद्धि में, बुद्धि का व्यापार का, व्यापार में स्थिरता, बुद्धि में स्थिरता, व्यापार में धन में। अब ये धन में क्या है, धन को अर्जित करना, उसको सफलता तक ले जाना, कुशल बनाना, इसको कहते हैं कुशल। कुशल किस चीज का होता है? बोल चाल में कुशल, सेवा भाव में कुशल, अपनी फील्ड में कुशल, इसे और क्या क्या कुशल बन सकता है। हर चीज में कुशल बनने की चाहत रखने वाला व्यक्ति के हाथ में यह ट्रायंगल आता है। कितना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। मान के चलो मंगल क्षेत्र में आ जाए, मंगल किसका जो है कारक है? अवार्ड्स का, आर्मी का, सेना का, खेल का, ये इनका है ना, विपत्ति का। घबराएगा नहीं, घबराएगा यहां पर आ जाएगा, किसी के यहां पर आ जाए, आप निश्चित तौर पे कह देना उसे ना अवार्ड्स मिलेगा, निश्चित तौर पर अवार्ड्स मिलेगा। कोई अवार्ड की कोई दूर दूर तक कुछ ना जा रहा हो। एक बच्ची जो है, मैं कह रहा हूं 6 साल की बच्ची है, उसे अवार्ड्स कैसे मिल सकता है? जंगल से जा रही होगी, कहीं कोई हाथ में कोई चीज़ होगी, कोई अटैक करेगा जानवर, ये उठा के कुछ ना कुछ मार देगी और फिर वो कहेंगे कि इसको वीरता पुरस्कार मिला गया है। ये भी करवाते। एक सेना के अधिकारी को, एक पुलिस के अधिकारी के हाथ में ये आ जाए, तरक्की, प्रमोशन डेफिनेटली मिलेगी। ये याद रख लीजिएगा, डेफिनेटली। फौज, एक फौजी जनरल के हाथ में आ जाए तो वो अपनी फौज को लेकर आगे जाकर देखना कितना बढ़िया तरीके से दुश्मन को जो है वो धूल चटाता है। ये मंगल पर आ जाए, यहां पर आ जाए, इस जगह पर बन जाए, जितनी मर्जी आप लड़ाई कर लो, जितनी मर्जी लड़ाई कर लो, चुपचाप बाहर निकल जाओगे, जितनी मर्जी लड़ाई कर लो, लेकिन बेशर्त ये माइंड लाइन पर बन रहा होगा तो ये आपको कर्जों में आ जाएगा। ये नहीं कहा मैंने, मैंने लटकता हुआ बोला है, यहां पर बोला है, ये अगर आप इसको मान लोगे तो ये तो गलत है, इस पर गलत है, ठीक है, ये तो नुकसान का है, नुकसान की रेखा है। यहां से कोई रेखा निकल जाएगी तो वो तो आगे जाकर चली जाएगी, तो वो नुकसान दिलाएगी।
ऐसा नहीं, यहाँ पर आएगा कोई केस होगा तो वो केस भी आपके फेवर में जाने की कोशिश करेगा। ये चीजें कोई नहीं समझाएगा, सब यहाँ पर रटी रटाई बातें, जितने YouTube पर जो चीजें बनती हैं सब रटी रटाई, सब रटी रटाई। कोई चीज नई चीज सीखने को मिलती ही नहीं है, आपको सीखोगे कैसे, नहीं सीख सकते। ठीक है, अब देखो सूर्य क्षेत्र पर बहुत बड़ी, ये देखो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घमंड ना होना, अपनी कला में बुद्धि का सही उपयोग करना, यानी उसको जो लाइफ में जो आगे बढ़ना है बड़ी वाइजली बढ़ता है वो व्यक्ति। इस समय पर अगर कोई रेखा इसी रेखा के साथ, जैसे यहाँ पर बन गई है, ये रेखा यहाँ बन गई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, तो ये जो टाइम पीरियड आ गया ना, ये कहती है कि मैंने आपकी लाइफ में ना यहाँ पर आपकी बुद्धि का सही उपयोग करवाते हुए आपको तरक्की के चरम सीमा तक पहुँचाने का जो जिम्मा था वो मैंने उठा लिया। समझ रहे हो? सूर्य क्षेत्र पर त्रिकोण ये केवल ख्याति को नहीं, ख्याति ऐसे थोड़ा मिलती है, घमंड नहीं करता, अपनी कला बुद्धि का व्यवहार व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो उपयोग करता है और उसे सफलता भी मिलती है अपने कार्य क्षेत्र पर। इसके कारण इसे बस इतना माना करो, ये मत करो यश कीर्ति, उसे सफलता के कारण कारक बनता है ये। इस टाइम पीरियड पे सफलता आपकी लाइफ में गिरती रेखाएं, ये नीचे गिरती रेखाएं नुकसान देती हैं, इन पर ये रेखा अगर बन जाएगी तो ये उसको बचाने के लिए आती है। ये आड़ी रेखा होती है, ये आड़ी रेखा नुकसान के लिए होती है, कहती है मैं गिर रही थी, मैं गिरती रेखा हूँ, ये आड़ी रेखा से मैं इस नुकसान की पूर्ति के लिए मैं यहाँ पर आई। और आप नहीं समझ रहे इसका मतलब, ये यहाँ बन गई तो आपको सांप काट लेगा। लो बताओ क्या है पामिस्ट्री, ये खतरनाक रेखा बन गई अब। इसलिए त्रिभुज टोटली त्रिभुज होना चाहिए, उसको केवल आप इसे त्रिभुज मान लो और इसे ना मानो, आप पाम रीडर हो ही नहीं, हो ही नहीं, याद रख लेना आप हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब मान के चलो शनि क्षेत्र पर आ जाए, मैं कुछ इसकी छुपी हुई चीज़ें बता रहा हूँ, छुपी हुई चीज़ें। ये क्या करेगा, अगर ये एक ट्रायंगल यहाँ पर आ जाता है, इस जगह पर ट्रायंगल है और आपकी उंगली जो है ना, उंगली उस पर एक स्टार का चिन्ह बना है। ठीक है, यानी ये और स्टार ये करेगा क्या, मैं देखो ये चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके आपने उंगली का जो तीसरा पर्व आएगा, ये वाला जो पर्व है इस पर एक स्टार बना दिया तो ये व्यक्ति ने क्या करना है, दूसरों को हानि पहुँचानी थी, समझते रहे ना, दूसरों को हानि पहुँचानी थी, ये क्या करना था, यहाँ पर स्टार बनाया हुआ था, हानि पहुँचाता। लेकिन ये जो त्रिभुज है ये क्या कर रहा है, उसकी डेंसिटी को कम कर रहा है ये त्रिभुज। इसने तो देखो यहाँ पर अच्छा फल देना था ना, तो ये क्या करेगा, उसकी डेंसिटी को, दूसरों को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, ये उसके प्रभाव को कम कर रहा है, यानी उसकी सोच को बदलना चाहता है कि ये मत कर, क्यों तू शनि का कारक बन रहा है, भाग्य भाग्य, अब ये भाग्य उस व्यक्ति का बिगाड़ना चाह रहा है जिसके कारण अपना भाग्य बिगड़े। लेकिन ये कहता है कि ना, तेरे इस काम में मैं तेरी सहायता नहीं करूँगा, यानी उसकी सोच बदल देगा। और आप लोग क्या कहते हो कि ये योग जो होता है ज्योतिष के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, और ये इनके लिए होता है। एक स्टार बनने के कारण वो उसको खींच रहा है कि नो, और अगर ये स्टार नहीं है तो ये क्या करेगा, ये बेनिफिट करेगा नहीं करेगा, ये बेनिफिट करेगा नहीं करेगा। यानी ये एक छुपी हुई बात
मैं इसके साथ जोड़कर आपको समझा रहा हूं कि ये एक ट्रेंगल कितना बढ़िया होता है। और भी छुपी हुई चीजें हैं, वो भी मैं बताऊंगा जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे। जैसे अब देखो मंगल पर आता है तो मैं राजनीति में भी कुशल कहता हूं उसे, बुध पर आता है तब भी मैं कहता हूँ वो देखो राजनीति कह लो, अपनी फील्ड कह लो, बुध पर और इस पर, ये दोनों जगह पर, अगर गुरु पर आता है तब भी मैं ये कहूँगा अपनी फील्ड पर प्रोफिशिएंसी वर्ड यूज़ करता हूँ, राजनीति वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, इसे भी समझ लीजिए। राजनीति के लिए ये रेखा का होना, इस रेखा का होना, इस रेखाओं का होना ये जरूरी होता है, तभी तरक्की मिलती है, तभी टॉप लेवल पर आदमी पहुंचता है। ये संबंध को बताता है, ये भाग्य रेखा का संबंध इसके साथ होता है। अब इसे विदेश की रेखा के साथ जोड़ लो और कोई विदेश में जाए, सपोज ये एक विदेश की रेखा यहाँ पर टच हो रही है और इस रेखा ने इस रेखा के साथ बन गया, तो ये क्या फल देगा बताओ जरा मुझे? सूर्य रेखा पर चली गई, ये क्या करेगा? ये विदेश जाकर देखना क्या इसकी नौकरी लगेगी, क्या बिजनेस होंगे, और इन्हीं में से एक रेखा निकल कर जो है इस रेखा के साथ चली जाए, ये क्या कर रही है? लो मैंने ये बना दिया, एक ट्रेंगल भी बना दिया, एक ये रेखा बना दी, एक गुरु का प्रभाव डाल दिया इस रेखा के साथ, ये वहाँ जाकर घर भी खरीदेगा, वहाँ जाकर उस एक अपना बिजनेस खोलेगा, अपना होटल खोलने के लिए। ये यानी कहने का मतलब ये है कि अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कोई फील्ड खोलने के बाद, एक बिजनेस करने के बाद तरक्की के ऊपर स्तर तक पहुंचने की ये रेखा जो थी, ये इन रेखाओं के साथ इन रेखाओं का संबंध बन गया, क्योंकि इसने जो है अपने रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए, उसका शुक्र जो है वो मजबूत होगा। ये टॉपिक अलग था लेकिन मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश कर दी, क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, सामने वो चीज़ आई तो मैंने बता दिया। जैसे यहाँ से ये रेखा आई, मैं कोई लिख के काम नहीं करता, प्री माइंडेड नहीं होता, सामने ये चीज़ बनी थी, मैंने कहा इसको इसके साथ ये वाली एक रेखा निकाल कर ये वो रेखा बनती है, तो अगर ये विदेश की रेखा बन जाएगी तो क्या होगा, तब ये होगा। अब एक रेखा मैंने ऐसे कही, ऐसे ना होकर ऐसे चली जाए, तब भी ये व्यक्ति ने बाहर विदेश की रेखा के साथ टच है, इसने बाहर जाके घर खरीदना ही खरीदना। यहाँ पर ये रेखा बन गई, सेटलमेंट हो गया, यहाँ पर ये हो गई, वो उसने वहाँ से दो तीन घर और खरीद लिए, सब कुछ बड़ा हो गया, और यहाँ आकर बॉक्स बन गए, इसने अपने देश में भी खरीदना शुरू कर दिया, ये बहुत आगे तक तरक्की कर लेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।